नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच द फर्स्ट लेसन ऑफ सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास 6, व्हिच नेम इज रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। इन एनवायरमेंट we use 3 R theory of environment. That means the 3 R stands for, the first is reduce, the second one is reuse, the third one is recycle. What is the meaning of reduce, reuse and recycle? Today I will explain. Before this, let me explain about what is the 3 R theory. Everyone knows that they should recycle their garbage. What is the meaning of garbage? Any dust or waste which we throw here and there is called garbage. मतलब ये कि जो हमारे घरों से कूड़ा या कचरा निकलता है वही हमारा जो बेकार चीजें होती हैं वो गार्बेज या वेस्ट कहलाता है। बट व्हाट्स द राइट वे टू रिसाइकल? लेकिन क्या सारे के सारे जितने भी जो हमारे गार्बेज हैं उसको इस तरह से डंप करना या उसको फेंकना क्या सही है? इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। वी कैन रेफर टू द 3 R फॉर दिस। इसके लिए हम लोग जो चीज यूज करेंगे, जो तरीका यूज करेंगे, उसे कहते हैं 3 R, मतलब रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रीयूज एंड रिसाइकल, लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट दिस टू फिगर आउट व्हाट दिस मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिड्यूस? मतलब रिड्यूस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसको प्रयोग करेंगे? द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। मतलब ये कि जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि कैसे वेस्ट को कम से कम हम लोग निकालें। मतलब ये कि हम लोग क्या कैसे प्रयोग करें अपने दैनिक जीवन में कि कचरा जो है कम से कम निकले। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ए फ्यू स्टेप्स कैन बी सजेस्टेड फॉर रिड्यूस द गार्बेज। द फर्स्ट इज व्हेनेवर पॉसिबल बाय इन बल्क। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सामान एक साथ खरीदना चाहिए ताकि जो उसमें से जो कम प्रयोग होने वाले कम, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया या पैकेट्स वगैरह हो गए जो बेकार में बाहर यूज करने के बाद हम लोग फेंक देते हैं, वो कम से कम निकले। तो पहला ये है बाय इन बल्क। टू रिड्यूस द पैकेट्स, एंड द सेकेंड सजेशन इज यूज क्लॉथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर्स। वी शुड यूज क्लॉथ नैपकिन। Why should we use cloth napkin? Because this is reusable. हम इसको धुल के दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम किसी पेपर नैपकिन का अगर प्रयोग करते हैं तो वो हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं। इसलिए हमें क्लॉथ नैपकिन का, जो कि हम लोग किचन वगैरह में प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग क्लॉथ नैपकिन का प्रयोग कर सकते हैं। एंड द थर्ड सजेशन इज
The third suggestion is buy goods that are durable and will not need replacing too often. हमें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयोग हो और उसको दूसरी बार में फेंक देना पड़े, एक बार यूज करने के बाद यूज एंड थ्रो की तरह उसको फेंक दिया जाए। तो ये है वी शुड बाय ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल थिंग्स। दिस इज द वे वी कैन रिड्यूस द गार्बेज। एंड द सेकेंड आर इज रीयूज। हाउ कैन वी यूज द थिंग्स रीयूज, मतलब हम कैसे किसी चीज को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले ही मैंने बताया था कि हमें ऐसी चीजों, जैसे मैंने पहले में बताया था कि वी शुड यूज क्लॉथ नैपकिन। क्लॉथ नैपकिन जैसे कि दूसरी बार भी प्रयोग किया जा सकता है, एक बार वॉश करके तो दूसरे आर में हमारा चलता है रीयूज। व्हाट इज रीयूज? इट इज सिंपल, इट साउंड्स, जैसे कि इसका नाम है रीयूज, मतलब दोबारा प्रयोग किया जा सके। तो द सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर, द सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर रीयूज। वी शुड बाय सच थिंग्स दैट कैन बी रीयूजेबल, दैट इज रीयूजेबल। सो फॉर दिस वी कैन टेक एग्जाम्पल सच दैट, जैसे कि मैंने बताया था ये जो दूसरा तरीका था इसमें वी शुड यूज क्लॉथ नैपकिन्स, तो इसके लिए ये तरीका है कि वी शुड बाय रीयूजेबल थिंग्स। एंड द थर्ड आर स्टैंड फॉर रिसाइकल। तो जो तीसरा आर है वो उसका मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये कि किसी भी चीज को हम लोग कैसे प्रोसेस करके फिर से यूज करने लायक बना सके। जैसे एक सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ये है, मतलब ये कि ये एक सिंबल आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलों पे या अन्य चीजों पे भी दिखता है, जिसका मतलब है ये है कि ये रिसाइकल किया हुआ है, मतलब ये जो है पहले से बनी हुई चीजों को फिर से प्रोसेस करके इसका हम लोग प्रयोग करने लायक बनाए हैं। तो व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थ्री आर्स, मतलब ये जो तीन आर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिसाइकल। इसके लिए हम केवल ये करेंगे कि हम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को यूज करें, रिसाइकल्ड थिंग्स को यूज करें और उसके सहायता से हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। तो इसमें ये हम करेंगे कि चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो रिसाइकल्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। हम ये चेक करेंगे कि ये मटेरियल द प्रोडक्ट इज मेड ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। हम ये चेक करेंगे, ये सिंबल चेक करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है। और जो दूसरा चीज इसमें हमें ये करना होगा कि द आइटम कैन बी रिसाइकल्ड, और ये सिंबल ये भी बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिसाइकलेबल है, मतलब इसको रिसाइकल फिर से किया जा सकता है।
This is the theory of three R's in the sense of environment, in the terms of environment, reduce, reuse, recycle. Thank you.